All right, friends. Now you just see your question number 2. Question number 2, page number 73 in question book. And question number 2, page number 12.3 in solution book. Solution book, question book. Question number 2, page number this, question number 2, page number. The following figure have been extracted from the financial accounts of the manufacturing firm for first year of its operation. Direct material consumption आपको दे रखा है 50 lakhs, direct wages 30 lakhs, factory overhead 16 lakhs, admin overhead 7 lakhs, selling and distribution overhead 9,60,000. Bad debts 80,000, preliminary expenses 40,000, legal charges 10,000, dividend received 1 lakh, interest received on deposit 20,000, sales आपको दे रखा 1 crore 20 lakhs, sales units है 1,20,000, closing stock of finished goods है 4,000, units 3,20,000, WIP 2,40,000. The cost accounts for the same period reveal that the direct material consumption was 56 lakhs, factory overhead is recovered. Factory overhead is recovered 20% of prime cost. Admin overhead is recovered 6 rupees per unit of production. Selling and distribution overhead are recovered 8 rupees per unit sold. Prepare the profit and loss account as per financial records and as per cost records. Reconciling the profit as per the to prepare the profit and loss account both as per financial records as per cost records. तो cost records पे तो हम लोग क्या बनाएंगे कि जे cost sheet, okay? And reconcile the budgeted profit. ठीक है? It means cost sheet आप बना लीजिए friends. Step number 1. Step number 1. Statement showing cost sheet. Statement. Statement showing cost sheet, right? सबसे पहले production. Direct cost, direct material, direct labor, direct expense is prime cost. Second, indirect cost, factory overheads. Yes, and go in your indirect cost factory overheads. Gross factory cost at opening WIP less closing WIP. So yes, ये आपका आ जाएगा factory cost at
एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेलिंग overheads, cost of sales, profit and loss, sales. पहले आप एक format पूरा बना लीजिए, normal जो अपना format है, अब जरा देखिए कितने यूनिट्स हम लोग का सेल हो रहा है 1,20,000 और ये क्या बोल रहा था, फॉलोइंग इज द हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो इसमें रहेगा नहीं, तो व्हाट इज द दिस 1,20,000 आपका क्या हो गया सेल्स, राइट फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक इज ए 4,000। इसका मतलब आपका प्रोडक्शन होगा 1,24,000 यूनिट्स, आपका क्या प्रोडक्शन होगा बोलो 1,24,000 यूनिट्स। व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट, अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन इज 56 लाख। डायरेक्ट मटेरियल आपका कंजम्पशन है, डायरेक्ट मटेरियल आपका कंजम्पशन है रुपीज से 56 लाख। आपका डायरेक्ट लेबर है 30 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस बिल टोटल इज 86। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इट मींस 86 लाख का 20% इज 17 लाख, 20,000 प्लस 86 लाख इज 1,03,20,000। यहां तक क्लियर हुआ करिए फ्रेंड्स, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी न्यू कंपनी है नहीं रहेगा, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ₹2,40,000। यहां तक आपको क्लियर हुआ करिए फ्रेंड्स, बताइए आप क्या बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ओके, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। पहला डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल उसने दे रखा 56 लाख, वेजेस सेम है, प्राइम कॉस्ट ये, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये आपका आ जाएगा। दिस इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी आपके पास नील है, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपका ये हो गया, ये आपका हो गया, इट मीन्स 1,00,80,000 ओके। एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एडमिन ओवरहेड 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज योर प्रोडक्शन इज 1,24,000 यूनिट्स इनटू 6, 1,24,000 यूनिट्स इनटू 6 इज
744 plus 1008. This is 108. 24,000. Opening, this is your cost of production हो जाएगा फ्रेंड्स आपका. ओके, ओपनिंग स्टॉक फिल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यस इट मींस दिस इज योर 108 24,000. दिस इज द कॉस्ट फॉर 1,24,000 यूनिट्स. आपके पास स्टॉक बचा है 4,000. योर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 1,24,000 इनटू 4,000. 349.61 देन सेलिंग ओवरहेड. सेलिंग ओवरहेड आपको क्या दे रहेगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए सॉल्यूशन के ऊपर. कोई पॉइंट छोटे मोटे आपको लिखते तो आप लिख सकते हैं. सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स अपने को, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड आपको क्या बोल रहा है, 8 rupees पर यूनिट सोल्ड. इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 1,20,000 यूनिट्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 8,960 प्लस 9,60 इज 1,04,74,839 प्लस 9,60 इज 1,14,34,839 ठीक है. और योर सेल्स, सेल्स आपको दे रखा है 1,20,00,000. मतलब पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए, फॉर्मेट बनाने के बाद सिंपली आप यू पुट द ऑल इंफॉर्मेशन करके ना, तो आपका काम हो जाएगा. बोलो यस और नो, टू पुट ऑल इंफॉर्मेशन तो आपका काम हो जाएगा. स्टेप नंबर वन आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट शीट. स्टेप नंबर टू मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेप नंबर टू. व्हाट इज योर स्टेप नंबर टू फ्रेंड्स, इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टेप नंबर टू इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेप नंबर टू इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिंपली यू पुट ऑल इंफॉर्मेशन टू डायरेक्ट मटेरियल इज 50 lakhs. टू डायरेक्ट मटेरियल 50 lakhs, ये रुपीस, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट. डायरेक्ट वेजेस 30 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड 16 lakhs, एडमिन ओवरहेड 7 lakhs, देन सेलिंग ओवरहेड 9,60,000, टू बेड डेट्स 80,000, सेलिंग ओवरहेड्स, टू बेड डेट्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, टू लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस इज
10,000 by dividend received by dividend received 1 lakh by interest on deposit by interest on deposit 20,000 by sales 1 crore 20 lakhs by closing stock of finished goods है आपका 320 and by WIP आपका हो जाएगा 240 so 1 lakh plus 20,000 plus 3, 4. This comes to 1 crore 26 lakhs 80,000. 1 crore 26 lakhs 80,000. 50, 30, 16, 7, 9.6, 1, 8, 1, 4, 9.1, minus 1, 2, 6, 8, 12,90,000. To net profit 12,90,000. 1, 2, 6, 80,000. Yes. Perfectly clear. ट्वेल्व लैख 90,000 का आपका क्या आ गया प्रॉफिट, जबकि आपका कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कितना आ रहा है 565,161. अब इन दोनों को टैली करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बोलो, रिकंसिलेशन. व्हाट इज रिकंसिलेशन? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. Say yes or no. So this is your awajahi aap. Step number 3. Statement showing profit as per cost sheet. Profit as per cost sheet. What is the profit as per cost sheet? Is 565,161. Profit as per cost sheet 565,161. Say yes or no. 565,161. One of the other page. This is 565,161. अब आ जाइए फ्रेंड्स वन बाय वन आइटम्स पे. आप कॉस्ट शीट से स्टार्ट करिए राइट. कॉस्ट शीट में पहला मटेरियल 56, आपका मटेरियल कितना है पीएनएल अकाउंट में ओनली 50 लाख. हम लोगों ने मटेरियल ज्यादा लिया है, ओवर वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. दिस इज योर ओवर वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना ले लिया है 56, जबकि लेना चाहिए था 50. अगर 50 लेते
तो हमारा कॉस्ट कम आता तो कितने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता, 6x इंक्रीज कर देंगे। सही है सॉल्व। ओके मटेरियल देन वेजेस 30 लैक्स, आपका वेजेस कितना आ रहा है देखो, वेजेस 30 लैक्स को प्रॉब्लम, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड 1720, और फैक्ट्री ओवरहेड इज 16 लैक्स। फैक्ट्री ओवरहेड 1720 हम लोगों ने लिया जबकि आ रहा है 16 लैक्स, 120 हम लोगों ने ज्यादा लिया, राइट। इट मींस ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 1720 जबकि आ रहा है कितना, 16 लैक्स। हम लोगों ने 120 ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो हम क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। सही आंसर। सही आंसर। ऑल राइट, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, सेम है, नो डिफरेंस। अब आप आ जाइए फैक्ट्री कॉस्ट तक, नो प्रॉब्लम। एडमिन ओवरहेड 744 जबकि एडमिन ओवरहेड आपने लिया है 7 लैक्स, हम लोगों ने लिया है 744 और पीएनएल अकाउंट ने लिया है 7 लैक्स। इसका मतलब 44 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो बढ़ा देंगे। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड कितना ले लिया, 744 जबकि लेना चाहिए था 7 लैक्स, कितना हो गया 44,000। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स सेलिंग ओवरहेड 960, सेलिंग ओवरहेड 960 जबकि आपने लिया है सेलिंग ओवरहेड, पीएनएल अकाउंट ने लिया है सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड 960 जबकि कॉस्ट शीट ने लिया है, कॉस्ट शीट ने लिया है नहीं, पहले उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 349,161 और इन लोगों ने लिया है 320, तो हम लोगों ने क्या किया है, ओवर वैल्यूएशन किया है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक यू ऑलवेज कंसीडर एज एन इनकम, क्लोजिंग स्टॉक यू ऑलवेज कंसीडर एज एन इनकम। आप इनकम पे बताइए कैसे किया है ना, आपने इनकम लिया है 349,161 जबकि इन लोगों ने इनकम लिया ओनली 320, हमने ज्यादा ले लिया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ गया तो माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स इज 349,161 माइनस 320,000, 29,161। अब आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। अब आप ये आपका हो गया सेलिंग ओवरहेड 960 लिया है, इन लोगों ने सेलिंग ओवरहेड 960 लिया तो सेलिंग ओवरहेड आपका आएगा नहीं, सेलिंग ओवरहेड दोनों में सेम हो गया। रिकंसिलेशन में क्या आएगा, रिकंसिलेशन में आएगा क्या, रिकंसिलेशन में आएगा ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस, तो डिफरेंस तो है नहीं, यहां पे भी 960 है और कॉस्ट शीट में भी हम लोगों ने क्या लिया है 960, डिफरेंस नहीं आएगा। अब आ जाइए हो गया तो बराबर, आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बैड डेट्स, प्रीलिम एक्सपेंसेस एंड लीगल एक्सपेंस, सेल्स दोनों का सेम है, देखो जरा सेल्स दोनों का सेम है, ये आपका हो गया 240 दोनों का सेम है, ये आइटम्स। अब 5 आइटम्स आपके रह गए जो आपको बैड डेट्स नहीं लिया, प्रीलिम एक्सपेंसेस नहीं लिया, लीगल एक्सपेंस नहीं लिया, डिविडेंड रिसीव नहीं लिया और इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया, इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर्ड, इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन, इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन, इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन। सही है सोनो, इसके लिए नहीं लिया, ठीक है तो ले लो,
अगर एक्सपेंस पीएनएल में लिया है, कॉस्ट शीट में नहीं लिया है, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम पीएनएल में लिया है, इनकम पीएनएल में लिया है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं लिया, तो आप आ जाओ आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। पहला इनकम, इनकम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, कितना डिविडेंड है फ्रेंड्स, डिविडेंड 1 लाख, इंटरेस्ट 20,000, 1 लाख एंड 20,000, ओके। एंड देन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड लीगल एक्सपेंस, कितना है 80-40-10, 80-40-10, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट it has to 12,96,000, it has to tell you, say yes or no, 12,90,000, dekho jaldi check karke, 565,161 plus 6 lakhs plus 1,20,000 plus 44,000 minus 29,161 plus 1 lakh plus 20,000 minus 80,000 minus 40,000 minus 10,000, 12,90,000। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है 12,90,000, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन वन में बताया था आप ऐसे ही करिए, क्या करिए कि कॉस्ट शीट के जितने भी फिगर हैं, कॉस्ट शीट के जितने भी फिगर हैं उनको उड़ा दीजिए आप करके ना, कॉस्ट शीट के जितने भी फिगर हैं आप उनको इस तरह से उड़ा दीजिए बराबर। और उसके बाद रिकंसलेशन और कॉस्ट शीट से आप क्या बनाइए, रिकंसलेशन और कॉस्ट शीट से आप क्या बनाइए बोलो, रिकंसलेशन कॉस्ट शीट से आप क्या बनाइए, रिकंसलेशन एंड कॉस्ट शीट से आप क्या बनाइए बोलो, रिकंसलेशन और कॉस्ट शीट से आप बनाइए पीएनएल अकाउंट, ये आपका रिकंसलेशन एंड पीएनएल अकाउंट से आपको क्या बनाना है कॉस्ट शीट, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होगा करके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा करके ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। कभी कभी क्या करेगा आपको पीएनएल अकाउंट बना के दे देगा और आपको बोलेगा कॉस्ट शीट बनाओ एंड कॉस्ट शीट बनाओ एंड रिकंसिलेशन बनाओ, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर 74 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, देन क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर 12.5 इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, गिवन बिलो इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। मटेरियल आपको दे रखा है 27,40,000, वेजेस 15,10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 830, एडमिन 382,400, सेलिंग ओवरहेड 450, फिल्म एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 60,000, नेट प्रॉफिट 325,600, सेल्स आपको दे रखा 60,000 यूनिट 60 लैक्स,
बाय स्टॉक आपको दे रखा है 160 क्लोजिंग फिनिश गुड्स WIP 120 एंड डिविडेंड रिसीव्ड 18,000। द कंपनी मैन्युफैक्चर है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस ₹6 पर यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹8 पर यूनिट सोल्ड, ₹8 पर यूनिट सोल्ड, ₹8। ऑलराइट फ्रेंड्स, एडमिन एक्सपेंस है ₹6 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है ₹8 पर यूनिट सोल्ड। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिकैंसिलेशन, इट मींस पीएनएल अकाउंट आपके पास है स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर वन आपको बनाना है कॉस्ट शीट और उसके बाद आपको बनाना है स्टेप नंबर थ्री इज ए रिकैंसिलेशन। गो सेम सिस्टमेटिक ना फ्रेंड्स। तो दिस इज योर गिवन बिलो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इट मीन्स स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट 31st 360, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स 60,000 हमारा सेल हो गया यूनिट्स एंड प्लस 2,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इट मीन्स टोटल मिलके हो गया 62,000। ऑलराइट, पहला है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मिलके क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट। देन सेकेंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ये आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट सेल्स। फॉर्मेट पहले आप हर क्वेश्चन में पहले जस्ट यू सेट द
फॉर्मेट। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू योर प्रोडक्शन। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज ए प्रोडक्शन। सही आंसर नो। अब आप आ जाइए सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वी कैन टेक द सेम 27,40,000। वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, इट मींस 15,10,000। 2740 प्लस 1510 इज 42,50,000। 42,50,000 फैक्ट्री ओवरहेड, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ 42,50,000 इंटू 20% इज 8,50,000। 4250 प्लस 850 इज 51 lakhs। ओपनिंग स्टॉक निल। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, 1,20,000 माइनस 120 इज 49,80,000। यहां तक क्लियर हुआ कि इसमें क्या दोनों आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं, कॉस्ट शीट भी कवर हो रही है आपकी और आपका रिकंसिलेशन भी कवर हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस योर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट बन गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी फैक्ट्री कॉस्ट 49,80,000। 49,80,000 एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 6 rupees पर यूनिट सोल्ड, इट मींस 1,20,000। व्हाट इज द एक्सपेंसेस, इट मींस आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, प्रोडक्शन है 62 इंटू 6, इट मींस 62 × 6 इज 3,72,000। 372 प्लस 49,80,000 इज 53,52। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास निल है, लेकिन क्लोजिंग फिनिश गुड्स इट मींस 53,52 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज 172,645। 172,645 53,52 माइनस 172,645 इज 51,79,355। सेलिंग ओवरहेड, व्हाट आर द सेलिंग ओवरहेड्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 60,000, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 60,000 एंड व्हाट इज योर सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट सेलिंग ओवरहेड इज 8 rupees। 8 rupees इट मीन दिस कम्स टू 4,80,000। 56,59,355 60 lakhs आपका सेल है, 60 lakhs आपका सेल है माइनस 60 lakhs विल बी 340,645। परफेक्टली क्लियर, ये आपको क्लियर हो रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर हो रहा है, यस और नो फ्रेंड्स बोलो। पहला आपका क्या आ गया, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल गिवन, डायरेक्ट लेबर आपका सेम आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अलग है 20% बोला है, ये आ गया डब्ल्यू आई पी सेम रहेगा, उसके बाद आपका ये आ गया, देन
एडमिन अलग रहेगा, फिनिश गुड्स वैल्यूएशन अलग रहेगा, सेलिंग ओवरहेड अलग रहेगा, पीएनएल अकाउंट आपको दे ही रखा है। अब आप आ जाइए सबसे पहले स्टेप नंबर 3 कीजिए, रिकंसिलिएशन। स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन। प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट? 340645 1 by 1 आप आ जाइए। ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट ओनली। डायरेक्ट मटेरियल आपका सेम है, डायरेक्ट वेजेज आपका सेम है, ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड 830 पीएनएल ने लिया है, हम लोगों ने लिया है 850, तो हमारा 20,000 से प्रॉफिट कम हो गया। एक्सपेंस हम लोगों ने, हम लोग कौन मीन्स कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ने एक्सपेंस ज्यादा लिया है, कॉस्ट शीट ने एक्सपेंस ज्यादा लिया है तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो ऐड कर देंगे। It means over recovery of factory overhead, over recovery of factory overheads 830 लिया है हम लोगों ने, 850 कितना लिया है हम लोगों ने, 850 लिया था, ओके है 830, सो 850 माइनस 830 एंड दिस कम्स टू 20,000, ये आपका 20,000 हो गया, ये आ गया WIP नो चेंज, ये आपका आ गया एडमिन ओवरहेड 372, एडमिन ओवरहेड 372, लेकिन उन लोगों ने लिया 382,400 जबकि हम लोगों ने लिया है 372, इसका मतलब अंडर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड 3 हम लोगों ने लिया है 372 माइनस 10,400 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो कम कर देंगे 10,400 आ गया। ये फ्रेंड्स ये आपका हो गया वैल्यूएशन ऑफ 172,645 जबकि उन लोगों ने लिया है 160 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यू ऑलवेज कंसिडर एज एन इनकम। हम लोगों ने इनकम कितना लिया है 172,645 जबकि इनकम एक्चुअल में कितना है 160 की जगह हम लोगों ने कितना ले लिया फ्रेंड्स 172,645, तो हम लोगों ने कितना ज्यादा ले लिया 172,645 माइनस 12,645 ज्यादा ले लिया, माइनस कर देंगे 12,645 ज्यादा डिले तो माइनस कर देंगे, सही है सर? ओके, ये आपका हो गया सेलिंग ओवरहेड 480 इन लोगों ने लिया 450, हम लोगों ने 30,000 ज्यादा ले लिया, हमारी इनकम कम हो गई, एक्सपेंस हम लोगों ने ज्यादा लिया तो ऐड कर देंगे ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स कितना लिया है 450 जबकि हम लोगों ने कितना लिया है 480 माइनस
450 is 30,000, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये आपका आ गया ये, ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सेल्स आपका। अब आप आ जाइए पीएनएल अकाउंट में, आप देखिए पीएनएल अकाउंट में कोई आइटम रह गया, मटेरियल हो गया, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग, प्रीलिम एक्सपेंसेस, रिटन ऑफ आइटम्स नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आइटम्स नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, आइटम्स नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पहला है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज द प्रिलिम एक्सपेंसेस इज उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे, कम करेंगे 60,000। देन सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, डब्ल्यू आई पी आ गया, क्रेडिट साइड में डब्ल्यू आई पी आ गया, डिविडेंड, डिविडेंड उन लोगों ने इनकम लिए है, हम लोगों ने इनकम नहीं लिया है, इनकम नहीं लिया है तो हमारा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आ रहा है। कॉस्ट शीट में भी कंसिडर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्योरली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन। This is your profit and loss account. It means 40645 plus 20,000 minus 10, 400 minus 12645. प्लस 30,000 माइनस 60,000 प्लस 325,600। देखिए पीएनएल अकाउंट में 325,600। परफेक्टली क्लियर अमाउंट पहला आपको यहां पे पीएनएल अकाउंट। अब इस आपको सबसे अच्छा ये समझना, तो ये जो कॉस्ट शीट वाला है फिगर्स उसको आप मिटा दीजिए एंड देन यू स्टार्ट विद द रिकंसिलेशन, देखो आपका होता है कि नहीं होता, परफेक्टली क्लियर अमाउंट, ओके राइट।